हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं बीएनसी यूनिवर्सिटी चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसमें हम आपको जो है रसिया के बारे में बताने वाले हैं कि किस तरह से जो है आप रसिया का विजिट वीज़ा ले सकते हैं और फिर जो है आप वहाँ का वर्क परमिट ले सकते हैं। और ये जो वीडियो है हम अपने एक सब्सक्राइबर की डिमांड से बना रहे हैं, तो अगर आपको भी ऐसे कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए देन कमेंट बॉक्स पर जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना कोई देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा वीडियो। जैसे कि आप सबको पता है कि रसिया जो है काफ़ी फ्रेंडली रहता है इंडिया के साथ, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो है रसिया विज़िट करना चाहते हैं। लेकिन काफ़ी टाइम से जो है रसिया का वीज़ा लेना उतना ईजी नहीं था, जिसकी वजह से जो है काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत होती थी। और अभी जो है सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा जो है बदल गया है, क्योंकि रसिया ने जो है वीज़ा फ्री एंट्री दे दी है इंडियंस को और साथ ही साथ कई सारे और भी कंट्री के लोगों को, जो कि अब ट्रैवल कर सकते हैं रसिया, वो भी वीज़ा फ्री। बट अगर आपको जो है एक ट्रैवल वीज़ा के साथ ही जाना है देन आप जो है कोई भी एक ट्रैवल पैकेज ले सकते हैं और ट्रैवल पैकेज के साथ जो है फिर आप अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए और उसके बाद जो है आपको वीज़ा मिल जाएगा 20 दिन के अंदर और फिर जो है आप अपना ट्रैवल स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो वीज़ा मिलता है ये 90 डेज़ के लिए होता है। यहाँ पर सिंगल एंट्री वीज़ा भी मिलता है, मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी मिलता है और जिस भी कैटेगरी में आप जा रहे हैं उस हिसाब से जो है आपका वीज़ा फीस भी बढ़ता है। तो इस तरह से अगर हम देखें देन दो तरह से आप जो है रसिया अभी जा सकते हैं। एक तो वीज़ा फ्री एंट्री, मतलब आप जो है रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसी से जो है एक ट्रैवल पैकेज लेके जो है रसिया ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर अगर आप जो है खुद भी ट्राई करना चाहते हैं देन एक ट्रैवल पैकेज के साथ जो है आप वीज़ा के लिए अप्लाई करके जो है फिर वीज़ा 20 दिन में मिल जाने के बाद जो है आप फिर जो है ट्रैवल कर सकते हैं रसिया। और ये जो है काफ़ी ईजी हो गया है अब इंडियंस के लिए। जो लोग भी अभी जाना चाहते हैं रसिया, वो लोग जो है अब बड़ी ही आसानी से उनका टूर पैकेजेस लेके आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। इवन अगर आपको जो है अपने देश में सुरक्षित नहीं लग रहा है देन ऑल्सो जो है आप रसिया ट्रैवल कर सकते हैं, ये प्रावधान भी है। बट उसके लिए एक अलग सा सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो जो है हम आज कवर नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पे अगर हम समरी बता दें देन ये है कि अगर आपको जो है अपनी कंट्री में सेफ नहीं लग रहा है देन ऑल्सो जो है आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 3 मंथ्स का जो है आपको वीज़ा वहाँ पर मिल जाता है। 90 डेज़ का जो है जनरली ये वीज़ा रहता है, तो अगर आप जो है उस तरह से भी लेना चाहते हैं देन ले सकते हैं। बट हमारे टॉपिक में हम वापस आते हैं और बात करते हैं कि ट्रैवल वीज़ा के। ट्रैवल वीज़ा जैसे कि मैंने कहा एक टूर पैकेज के साथ जो है आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा बड़ी ही आसानी से। तो एक बार जो है आपको अपना ट्रैवल वीज़ा मिल जाता है देन आप जो है वहाँ पे 90 डेज तक स्टे कर सकते हैं। वहाँ पे जो है आप अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं और अगर आपको जॉब मिल जाती है देन आप जो है वहाँ पे वर्क भी कर सकते हैं। वर्क करने के लिए भी जो है ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पहला तो जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये है कि आपको जो है वहाँ से कोई एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करे। दूसरा, जो रसिया का मार्केट है उसका एक टेस्ट होता है जो कि रशियन मार्केट टेस्ट बोलता है, उसका जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि हाँ जिस आदमी को जो है सिलेक्ट किया गया है वो इसलिए किया गया है क्योंकि वहाँ पे लोकली जो है इस नीड को फुलफिल नहीं किया जा सकता। जैसे LMI होता है उसी तरह का जो है यहाँ पे सिनेरियो है, तो वो चीज़ यहाँ पे चाहिए होगी। और दो तीन चीज़ें जो है और चाहिए होंगी, जिसमें कि सबसे बड़ा चीज़ है वो है रशियन लैंग्वेज। रशियन लैंग्वेज जो है आपको यहाँ पे चाहिए होगा तभी जाके जो है आपका फाइल यहाँ पे आगे बढ़ सकता है, क्योंकि रशियन लैंग्वेज के बगैर रसिया जाना वर्क परमिट पे थोड़ा सा जो है मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको जो है रशियन लैंग्वेज आती है देन आपके लिए काफ़ी ईजी रह जाएगा प्रोसेस। बट अगर आपको जो है रशियन लैंग्वेज नहीं आती देन आपके लिए जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है ये प्रोसेस। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि वहाँ पे इंग्लिश जॉब्स नहीं मिलते, मिलते हैं बट बहुत ही कम होते हैं, जिसकी वजह से जो है आपको रशियन लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी तभी जाके जो है आपका काम आगे बढ़ेगा। इसलिए अगर आप जो है रसिया वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं देन आपको जो है वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, रसियन सीखनी पड़ेगी तभी जाके जो है आपका काम आगे बढ़ पाएगा। वैसे वीज़ा लेने का तरीका जो है बड़ा ही आसान है, जैसे मैंने कहा कि वहाँ का एम्प्लॉयर का जो है एक स्पॉन्सर लेटर चाहिए होगा, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा और वहाँ का जो रसियन लेबर मार्केट टेस्ट है उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें आप जो है प्रोड्यूस करके रसियन लैंग्वेज के साथ साथ ही आपका मेडिकल क्लियर करके जो है आप रसिया के वर्क वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग भी रसिया जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अगर आप जो है जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा है देन आप जो है टूरिस्ट वीज़ा पर 90 डेज़ का वीज़ा ले सकते हैं, सिंगल एंट्री ले सकते हैं या फिर मल्टीपल एंट्री भी जो है आप चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है देन आप जो है उसे वर्क परमिट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से हो सकती हैं अगर आपको अगर रशियन लैंग्वेज आती है। तो जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं और उनको अगर रसिया जाना है देन मैं यहाँ पे एक सुझाव देना चाहूँगा कि रशियन लैंग्वेज का जो है थोड़ा सा आप स्टडी कर लीजिए। अगर आपको रशियन लैंग्वेज आ जाता है
देन आप जो है रसिया बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसीज जो है रसिया में होती है, क्योंकि अगर आप जो है कंट्री वाइज देखें देन काफ़ी बड़ी कंट्री है रसिया, और अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखें देन पॉपुलेशन इंडिया से कंपेयर करें तो बहुत कम है, जबकि उनका एरिया इंडिया से काफ़ी बड़ा है। तो अगर आप जो है यहाँ पर देखें देन काफ़ी बड़ी एरिया के साथ काफ़ी कम पॉपुलेशन जो है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को जो है वो एकोमोडेट कर सकते हैं, और काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज भी वहाँ पे है जिसमें कि लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, तो जॉब तो मिल सकता है। बट अगर आपको जो है रशियन लैंग्वेज आती है देन आप जो है बड़ी आसानी से वहाँ पर जॉब भी ले सकते हैं और अपना वर्क परमिट भी क्लियर करा सकते हैं। तो जहाँ पे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके यहाँ पे जो है जाना अब मुश्किल हो रहा है, वहीं पे रसिया उसका ऑपोजिट जो है एकदम सारी चीज़ें सिंपल कर रहा है और वहाँ पे जाना जो है बड़ी ही आसान हो गया है। तो अगर आप जो है रसिया ट्राई करना चाहते हैं देन एक ट्राई दे के देखिएगा, क्योंकि काफ़ी आसान हो गया है सारा प्रोसेस। तो बस इतना ही कहना चाहता था आज के हमारे इस वीडियो में। होप कि जो है आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है देन आप जो है लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दिस इज विश्वास साइनिंग ऑफ, स्टे कनेक्टेड।